नमस्कार प्रणाम, मैं रमन वर्मा। मैं अपने अमजद भाई की तरफ से आज मैं खुद होस्ट करने वाला हूं और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही इस काम को करूं। एक्साइटेड होना भी स्वाभाविक है, इसलिए कि आज हमारी फिल्म रुखी का पांचवा दिन लगभग शूट पूरा फाइनल हुआ है और अभी हमने शादी का सीन निकाला है। बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया, बहुत डांस किया है। तो एक एक करके मैं आप सभी से, सभी दर्शकों से अपनी फिल्म के एक एक जितने भी मेरे आर्टिस्ट है, जितने भी भाई लोग हैं, जो भी इस फिल्म से जुड़े जितने भी लोग हैं, सबसे मिलाने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस फिल्म के प्रोड्यूसर हमारे आनंद भैया है, मैं उनके पास आता हूँ। आनंद भैया नमस्कार। ये फिल्म बहुत साफ सुथरी है, देखने वाली फिल्म है, सामाजिक है। हम लोग मतलब अमजद भाई के चैनल से हम लोग बराबर लगे रहते हैं और जितने चंपारण में फिल्म होती है सिटी 20 न्यूज के माध्यम से हम लोग के PRO हैं अमजद हुसैन जी और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं साबिर भाई ने, इस फिल्म के राइटर हैं पंकज पवित्र जी ने। बहुत अच्छा कंटेंट है इस फिल्म पे। हमको दिखाए पहले पंकज पवित्र जी ने कि यह स्टोरी थोड़ा सा आनंद सर आप देखिए ये कैसा स्टोरी है। एक बार देखे इतना पसंद आया हमको कि बोले कि चलिए डन करते हैं, ये फिल्म करेंगे। संजोग ये है कि तब तक साबिर भाई मिले, बोले कि जी तो बहुत अच्छा स्टोरी है तो रुखी फिल्म करना है। बोले कि जी चलिए ठीक है, तब तक हम लोग अपना MM डिजिटल के माध्यम के से फिल्म प्रोडक्शन से हम लोग सोचे कि चलिए कर लिया जाए। तो आज हम लोग आज पाँच दिन से शूट में हैं। अभी शूट चलेगा, स्टार कास्ट में है आपको अमित पटेल जी और अभिनेत्री हैं पूजा तिवारी जी ने, उत्तर प्रदेश की हैं, और शीला यादव जी ने। बहुत अच्छे अच्छे एक्ट्रेस लोग और एक्टर लोग हैं और इनका नाम क्या है, अभिषेक चंचल जी, लवली फिल्म्स के अच्छे अच्छे। मैंने सुना कि समय शादी का सीन मैंने देखा भी है तो आप बहुत डांस कर रहे थे, इस बारे में कुछ कहेंगे? अरे मान लीजिए इंजॉय लेना तो सब किसी के लिए, कोई इंजॉय कोई रुकता थोड़ा है। आज खुशी की बात है, माहौल बना था, हम लोग डांस किए, कौन सी बड़ी बात है। मैंने भी किया, बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे चलते हैं, अपने मेरे उत्तर प्रदेश से मेरी दीदी हैं और इस फिल्म में माँ का रोल इन्होंने किया है, शीला यादव जी, उनसे बात करते हैं और आपसे रूबरू कराते हैं। ठीक है ठीक है। नमस्कार जी, ये बताएंगे कि ये बूढ़ी कैसे हो गई। नमस्कार प्रणाम, मैं शीला यादव सिनेमा का करेक्टर कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्ती करते हुए हम लोग काम कर रहे हैं और बाकी सारे लोग मिले, बाकी आनंद भैया जी मिले, बाकी बहुत सारे कलाकार हैं, सबसे मिले हम, बहुत अच्छा लगा ये सेट पे। और एक मेरे ये मोटू भाई है जो दौड़ भी लेते हैं, 1 किलो भी वजन घटता नहीं, ठीक है। इसलिए आज शादी के माहौल में खूब नचा दिया गया ताकि आगे ये ऐसे खुश बनते रहे और नाचते रहे और शूट में आते रहे, बाकी दर्शनों का दर्शन से होता रहे। नमस्कार जी, धन्यवाद प्रणाम। मजा आया ना? एकदम बहुत मजा आ रहा है, बहुत मस्ती करते हुए हम लोग कर रहे हैं। ये पिक्चर का नाम है रुखी और ये लॉकडाउन से हम लोग कर रहे हैं। लॉकडाउन में क्या परिस्थितियां थी, क्या थी, उसके हम लोग बना रहे हैं। डायरेक्टर इसके साबिर खान जी हैं। अच्छा एक चीज बताइए, आपने पहली बार चंपारण में बहुत सारा आपने भी काम किया बिहार में और पहली बार आप साबिर खान जी के साथ काम कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत बहुत बधाई साबिर भाई को और डायरेक्टर साहब को। क्या बोलूं मैं, पहले भाई फिर मेरे डायरेक्टर साहब। अब बारी है इस फिल्म के हीरो जो मेन लीड कर रहे हैं अमित पटेल, आजा भाई।
अमित ऐसे छोटा भाई है लेकिन अभी बड़ा है मेरे से। सबसे पहले सभी भोजपुरिया समाज को नमस्कार प्रणाम। मैं आप सबका भाई, आप सबका बेटा अमित पटेल। आज हमारे फिल्म रुखी की 5वां दिन का शूटिंग चल रहा है और ये मेरे लाइफ का पहला फिल्म है और बहुत ही खुशी हो रहा है ये टीम से मिलकर। बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिसके डायरेक्टर हमारे साबिर भैया हैं और आनंद भैया हैं और ये मेरा पहला फिल्म है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरा जी जान से मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा ताकि मैं ऐसे ही कुछ कर सकूँ लाइफ में। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। नमस्कार। इस फिल्म से जुड़ी कुछ और बातें बताएंगे क्या? जी जरूर। ये बहुत ही अच्छी फिल्म है, एकदम साफ सुथरा फिल्म है, कहीं भी चल सकता है, समाज के साथ बैठ के देखा जा सकता है। इसमें कोई भी अश्लीलता नहीं है, कहीं भी नहीं है, बहुत ही साफ सुथरा फिल्म है। आप लोग प्लीज देखिए इस पर और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। अच्छा, आप ये छोटे आर्टिस्ट हैं मेरे आर्यन जी, आप कुछ बताइए। आर्यन, इसमें रोल किया ना आप, किस चीज का रोल किया है? भाई का, बुल्ले का भाई। मजा है, बरात गए थे ना, खाने को मिला कि नहीं? कुछ मिला, मजा आया, मजा आया। चलिए, धन्यवाद। अब इस फिल्म में जो मेन लीड कर रहे हैं अभिनेत्री पूजा तिवारी, उनसे रूबरू होते हैं और सबको रूबरू करवाते हैं। हाय, सबको प्रणाम, सबके दोस्त के दोस्त। और इस फिल्म में हमारा नाम रुखी बा और बहुत अच्छा लगल बा फिल्म करके, आपके सबके सहयोग मिलल बा। बस आप लोग ऐसे प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रहें और हमने के आगे बढ़ाते रहें आप लोग। अच्छा, रुखी फिल्म का जो टाइटल है फिल्म आप ही है, आप ही का नाम प्रोड्यूसर है ना? मजा है ना इस बनने के लिए, जो टीम में साथ आ पाए, यहाँ पे नई टीम अभी मिली है, बहुत मजा आया। मजा आया, सबसे ज्यादा किसके साथ काम करके मजा आया? सुबीर खान सर के साथ, और मतलब बहुत मजा सब लोग के साथ, पूरा टीम कोऑपरेटिव टीम है, बहुत अच्छा लगा। चलिए, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस फिल्म के जो डायरेक्टर साहब हैं वो उस समय से बेचैन है कि मेरे पास भाई कब है किस्मत, तो मैं उनके पास लेकर जा रहा हूँ। साबिर जी नमस्ते, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डायरेक्टर साबिर खान, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बस मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से, बहुत ही प्यारा एक स्टोरी है, कंटेंट हम लोगों ने ये शूट किया है, आप लोग देखें, पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं, बिल्कुल कहीं भी अश्लीलता नहीं पाएंगे आप लोग, और ये फिल्म देख करके आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा साबिर जी, ये फिल्म बनाने का क्या उद्देश्य था आपका? ये ना, जब हमारे पास स्टोरी लेकर गए आनंद भैया, तो मैं स्टोरी में ना मुझे कुछ समझ में नहीं है, वन लाइन में बताया, फिर मैं भैया से बोला कि मुझे ना ये स्टोरी मतलब रीड करने के लिए मुझे एक सप्ताह का टाइम चाहिए। जब मैं इसको पढ़ा, इसके अंदर जब गया, तो एक एक सीन में मुझे ना एक चीज़ देखा, एक क्रिएशन देखा, एक रियलिटी देखा। तो मैं शायद आनंद भैया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इस फिल्म के लिए मुझे डायरेक्टर चुने और ये काम किया। अच्छा, आप अपनी टीम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अरे टीम तो हमारे क्या बोलना चाहिए, टीम तो हमारी इतनी प्यारी है, जैसे आप हैं, अमित जी हैं, अभिषेक जी हैं, और हमारे सबसे प्यारे मित्र अरुण मिश्रा जी, इनका नाम कुछ और है ना, परवीन कठालिया, परवीन कठालिया। अच्छा, वो तो आप लोग प्यार से बोलते हैं। इनका इनका इंट्रोड्यूस, इनका एड्रेस सब बताएंगे, तो बताएगा अपना एड्रेस दर्शकों से बता देंगे, सब कोई खुश हो जाएगा भाई। क्या है कि मेरा नाम परवीन मिश्रा है और इस फिल्म का मैं DOP हूँ और अपने भाई के लिए काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं और इस फिल्म के प्रोड्यूसर सर लाइन कैसे कट कर रहे हैं, हेलो आ रहा ना? हाँ, इस फिल्म के प्रोड्यूसर हमारे आनंद भैया हैं, हम लोग को बुलाए हैं, सब एक साथ इकट्ठा किए हैं और हम लोग बहुत प्यारी फिल्म बना रहे हैं और आप लोग देखिएगा, आपको मजा भी आएगा और आनंद भैया का जय जयकार होगा। आनंद भैया, मैं चाहूंगा कि एक बार थोड़ा अपना एड्रेस बता दीजिए सर। अरे नाम पीके काटखालिया, जिला गाजियाबाद, ग्राम झारखंड, पोस्ट ऑफिस ऑस्ट्रेलिया और निवास स्थान नाइजीरिया। सुने, अच्छा, आप इस फिल्म में जो सह निर्देशक है मेरा सूरज मानी, क्या बात है, बहुत अच्छा डांसर है, चलो बताओ कुछ फिल्म के बारे में। जी नमस्कार प्रणाम, मैं सूरज पांडे,
इस फिल्म में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ। ये फिल्म करके मुझे बहुत खुशी फील हो रही है कि मुझे साबिर भैया ने ये प्रोजेक्ट दिया, और वैसा प्रोजेक्ट जो कि एक सामाजिक तौर पे बहुत अच्छा फिल्म फिल्माया जा रहा है। इस फिल्म के निर्देशक हमारे आनंद भैया है। ये फिल्म हम आनंद भैया के घर पे ही रह के बहुत इंजॉय के साथ, बहुत मौज मस्ती के साथ हम लोग शूट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इस फिल्म में कौन सेकंड लीड कर रहा है? मिथिलेश। कैसा लग रहा पहली बार फिल्म का? पहली बार फिल्म करके बहुत मजा आ रहा है। इसमें साबिर भैया हम लोग को मौका दिए फिल्म में काम करने के लिए, हम लोग काम किए, बहुत मजा आ रहा है सब काम करने में। रुचि फिल्म में बहुत साफ सुथरा फिल्म है, वाली मर्जी हम ये वाली मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आपने ये मेरे चाचा जी हैं, इससे पहले भी मेरा किस मिश्रा जी के साथ किया था, और बात यहाँ कर रहे हैं हम, इनसे कुछ बात बैठा ली कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सबसे ज्यादा खुशी हमारी यहाँ के जनता का है, जो यहाँ पे हम लोग का हर दृश्य हर सीन शांति पूर्वक बैठकर प्रेम से देख रहे हैं, और उसके बाद प्रणाम है हमारी पूरे पार्टी का, और आप लोगों का आशीर्वाद से हम लोग भगवान से मनाइए कि इससे भी अच्छे अच्छे हम लोग कैरेक्टर करे और करते रहे, ताकि हम सब कुछ आगे बढ़े, दुनिया में हम लोग का प्रचलित हो, अगला भविष्य में लोग हम लोग को याद करे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। फिल्म के मेन विलन अजय दीवाना की, जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं, मैं उनसे मिला था। अजय जी थोड़ा इधर आइए। ये है अजय दीवाना जी, जो इसमें मेन विलन का रोल कर रहा है। नमस्कार सब भोजपुरी भाई लोग के, हमारे नमस्कार बाप पैर छू के। ये फिल्म के नाम है रूखी, मतलब हम ज्यादा कुछ हम नहीं कह चाह। आई फिल्म में हम मेन विलन के रोल कर रहा बाटे। आई फिल्म में काम करके हमके बहुत दिल के तसल्ली मिल रहा बा, खुशी भी मिल रहा बा, जे पहली बार ऐसा साफ सुथरा फिल्म निकलल बा, जे हमें काम कैले से दिल के एकदम सुकून मिला था, जे कोई अश्लीलता या कोई वो नहीं है। जे हम लोग बेटी पतोहा चाहे कोई भी हो, माँ बहन उसके साथ में सबके साथ में बैठकर देखिए। आप लोग जरूर सपोर्ट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार। चलिए धन्यवाद। ये यहाँ पे अभी हम लोग एक आदमी से और मिलेंगे। ये इस फिल्म में वो असिस्टेंट डीओपी का काम कर रहा है, असिस्टेंट डीओपी का काम कर रहा है रामायण जी। उस समय से बेचैन है कैमरा के सामने आने के। आ जाइए आप लोग, आइए। देखिए बहुत हंस रहे हैं, कुछ बताइए इस फिल्म के बारे में। नमस्कार प्रणाम, मैं आपका छोटा भाई हूँ, और सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद करूँगा जो इस फिल्म में मुझे असिस्टेंट कैमरामैन का करने का सौभाग्य मिला है। तो सबसे पहले इनका मैं सौभाग्य दरवाजा। सबसे खुशी इस बात की है हमें कि इस फिल्म में कोई अश्लीलता नहीं है। ऐसा फिल्म है, आपको ऐसा फिल्म है कि हम क्या बताएं, फुल कॉमेडी और फुल पारिवारिक फिल्म। आप एक बार जरूर देखें, और हॉल में एक बार जरूर जाइएगा। हॉल में जाए ना जाए, लेकिन एक बार YouTube पर सर्च जरूर मारिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक इनके इन्होंने बहुत सपोर्ट किया हम लोग को। नमस्कार और सभी हमारे भोजपुरी भाइयों को भी नमस्कार। हमको तो इतना खुशी मिला है कि हमारे चंपारण, जहाँ से बापू जी गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे, उस मिट्टी से हमारे बाबू नंदन जी इतने बड़े बड़े कलाकारों को हमारे यहाँ ला के आ इतने इतने बच्चों का हौसला अफजाई किए हैं। इसके लिए आनंद बाबू को और इनके सभी सहपाठियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे मैंने आप सबको, मैंने मतलब आप इस न्यूज चैनल के माध्यम से जितने भी इसके सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, मैं उन सबसे अपील करता हूँ कि इस चैनल को आप लोग देखें, इस न्यूज को भी देखें, और जितने भी हमारे यहाँ पे कलाकार हैं उन सबका हौसला अफजाई करें। और जो भी इस वीडियो को जो भी देखेगा, अगर उसको कुछ अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर उसको लिखेंगे। और सब उसके बाद मैं अमजद भाई, जिनको मैंने एक बार बोला और वो आए, उनको बहुत 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 धन्यवाद कि वो हमारे टीम के जितने भी एक्टर हैं, जितने भी कलाकार हैं,
उन सबों को एक दूसरे से रूबरू उन्होंने करवाया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और सबको बोलता हूँ लवी भाई आप ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे ताकि हम लोग और अच्छा काम करते रहे। धन्यवाद, लवी यू। हाँ।